अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 14 सफरुल मुज़फ़्फ़र है, 22 सितंबर है। ख़बर का उनवान है, मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर ATS ने क्या कहा। ख़बर तफसील से सुन लें। देर रात दाई इस्लाम मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहम को ATS ने गिरफ़्तार कर लिया है। ATS के आला अफसरान ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि मौलाना हिंदुस्तान के बाहर से नाजायज़ तरीके से हवाले वगैरह से रुपये पैसे मंगाते हैं और इस रुपये को लोगों के मज़हब तब्दील कराने में खर्च कर देते हैं। ATS का ये भी कहना है कि मौलाना कलीम आबादी के तनासुब को भी बदलना चाहते हैं। वो मुल्क भर के बहुत से मदरसों को फ़ंड भी देते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश ATS ने पिछले 20 जून 2021 को गैर कानूनी तब्दीली मजहब के सिलसिले में डॉक्टर उमर गौतम और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात में मुकदमा दर्ज है। इसके बाद इसी कड़ी में महाराष्ट्र और गुजरात से भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। ATS का ये भी कहना है कि उमर गौतम और उसके साथियों को गैर मुल्की तंजीम अलफलाह ट्रस्ट से करोड़ों रुपये मिले थे जिनका वो हिसाब नहीं दे पाए। ATS ने कहा, जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी वल्द हाजी अमीन साकिन फुलत मुजफ्फरनगर ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं। मजहबी इदारों की आड़ में गैर कानूनी तरीके से वो मजहब को बदलवाते हैं। ये काम मुल्की सतह पर होता है, इस काम के लिए रुपये पैसे खर्च किए जाते हैं। ATS का ये भी कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जामिया इमाम मलीउल्लाह के नाम ट्रस्ट भी चलाते हैं और हवाले के ज़रिए पैसे मंगाने की बात भी ATS ने कही है। ATS ने बताया कि मौलाना के ट्रस्ट में 3 करोड़ रुपए की बात सामने आई है। मौलाना का मेडिकल कराने के बाद आज उनको अदालत में पेश कर दिया गया है। UP ATS की 6 टीमें इस काम को देख रही हैं। बहरहाल यह खुलासा उस प्रेस नोट का है जो ATS ने आज जारी किया है। वो प्रेस नोट भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारी दरख्वास्त उन लोगों से है जो अखबारी ज़ुबान से कम या नावाकिफ़ हैं, वो बराए मेहरबानी कुछ चीज़ें लिखते हुए अपलोड करते हुए एहतियात बरतें। मामूली गलती भी उनको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है।